नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राई सिटी हाउस में। तो दोस्तों, आज मैं जो 2BHK फ्लैट लेकर आई हूँ उसकी लोकेशन रहेगी कुराली खरर हाईवे। तो बात करें अगर ये लोकेशन की, तो एक साइड से इसके लिंक निकलता है, कनेक्टिविटी जो होती है लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पे होती है और दूसरी होती है कुराली हाईवे पे होती है। बात करें यहाँ की मार्केट की, तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे मॉल, शॉपिंग मॉल जो है, फूड हब जो है, हॉस्पिटल है, और इसी के साथ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। इसी के साथ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ही आपका रहेगा बस स्टैंड का। तो चलिए घर का सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं घर के सामने। घर के अंदर एंटर होने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े स्टेप में यहाँ पे स्टेज देखने को मिल रही है जो ग्रेनाइट की बनी हुई है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे मेन एंट्रेंस की, तो आपका मेन एंट्रेंस का जो डोर रहेगा वो 8 फीट का रहने वाला है और स्मार्ट लॉक के साथ। अगर लॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पैटर्न भी, बायोमेट्रिक भी और की सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए घर के अंदर। अभी घर के अंदर एंटर होने से पहले आपको यहाँ पे ड्राइंग एरिया देखने को मिल रहा है। घर का साइज बता दो तो 95 गज में हमारा ये 2BHK फ्लैट बन रहा है। इसमें 2BHK 3BHK दोनों रहेगा। तो ड्राइंग के अंदर एंटर होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपको एज इट इज आपको वॉल, POP की वॉल जो दिखने को मिल रही है वो मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ और दिखा रहे हैं कुछ और मिलेगा, आपको यहाँ पे वॉल सेम एट इज मिलेगी। इसी के साथ मैं बता दूं, यहाँ पे 7 सीटर सोफा लगने के बावजूद देखिए काफी ज्यादा स्पेस बची हुई है, आप देख ही रहे हैं। इसी के साथ मैं बता दूं, हमारे इस साइड आ जाता है यहाँ पे AC की प्रोविजन आ जाएगी। AC की प्रोविजन के साथ ही हमारा यहाँ पे टफन ग्लास के साथ हमारी विंडो आएगी और विंडो के इस साइड में हमारा आ जाता है बालकनी। आइए बालकनी दिखाओ मैं आपको। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2-sided ओपन फ्लैट भी मिलेंगे आपको। ये रहेगी इस साइज के, यहाँ पे बालकनी देखने को मिल रही है। तो चलते अभी घर के अंदर। इसी के साथ हमारा यहाँ पे आ जाता है डाइनिंग एरिया। आपको यहाँ पे किचन के ऑपोजिट यहाँ पे डाइनिंग एरिया दिखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे 4 चेयर्स लगाकर, आप अगर फैमिली के मेंबर 4 चेयर्स लगाकर इजिली यहाँ पे आपको स्पेस दिखने को मिल रही है, आप देख ही रहे हैं। इसी के साथ मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो देखिए आपको फॉल सीलिंग जो है एज इट इज मिलेगी। देखिए कितने प्यारे डिजाइन में, आपको झूमर को छोड़कर, सोफे को छोड़कर, AC को छोड़कर इस यहाँ पे जो भी लगा आपको मिलेगा। चलिए अपने फर्स्ट बेडरूम, तो हम आ चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम जो फर्स्ट बेडरूम रहेगा। फर्स्ट बेडरूम की बात करें तो देखिए काफी अच्छी स्पेसेस में यहाँ पे ये बेडरूम रहने वाला है। इस सबसे पहले हम देखते हैं वार्डरोब को। वार्डरोब देखिए, अब मैक्सिमम क्या होगा, आपको डोर टाइप में यहाँ पे वार्डरोब मिलते होंगे। यहाँ पे हम आपको स्लाइड वार्डरोब दे रहे हैं, आप देख ही रहे हो काफी स्पेशियस है, ज्यादा से ज्यादा सामान आपका यहाँ पे आ सकता है। और इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे वॉलपेपर आपको मिलेगा, वॉलपेपर की देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में यहाँ पे, अच्छे लुक में यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ फॉल सीलिंग की बात करें तो देखिए बहुत ही अच्छे और डिसेंट वे में इन्होंने यहाँ पे फॉल सीलिंग की है जो बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे आएगा ड्रेसिंग टेबल जो है, इसका जो मिरर रहेगा अप टू रूफ रहेगा, आप देख ही रहे हैं। और बात करें, आपने एक चीज को नोट किया, तो कर्टन की जो पाइप रहने वाली है वो हिडन रहने वाली है पूरे घर में। इस साइड हमारी विंडो आ जाएगी जो प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट रहेगा। बात करें यहाँ के वॉशरूम की, तो मैं आपको बताऊं वॉशरूम आपको बिल्कुल रेडी मिलेगा। देखिए अगर फ्लोर के टाइल बात करें तो एंटीस्टिक टाइल्स रहने वाली है। दीवार पे जो टाइल्स लगी हुई है देखिए मैक्सिमम अप टू रूफ रहने वाली है। कल के अगर आप नहा रहे हो या कपड़े धो रहे हो, पानी के जो स्टेन्स होंगे वो दीवार पर नहीं पड़ेंगे, आप आराम से साफ कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर हमें वॉशरूम की वेंटिलेशन भी मिल रही है। यहाँ पे विंडो दी गई है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा शॉवर, शॉवर के साथ आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जैगुआर की फिटिंग आपको देखने को मिल रही है। आपकी जो सीट्स रहेगी वो हैंगिंग रहेगी ताकि अगर आप वॉशरूम को साफ करना हो आराम से आप साफ कर सको। इसी के साथ आप दीवार पे, छत पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे भी LED लाइट देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की तरफ एंटर होते हैं, मैं सबसे पहले बता दूं आपका जो मेन डोर जो है, मेन हो जो पूरे घर के डोर है वो 8 फीट के रहने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की तरफ देख ही रहे हैं, दीवार को देखिए POP हमने की है जो प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छी लुक में देखने को मिल रही है, आपको एज इट इज मिलेगी। फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग आपको देखिए एक डिफरेंट डिजाइन में, डिफरेंट लुक में आपको देखने को मिल रही है LED लाइट के साथ। इसी के साथ बात करें काफी स्पेशियस में आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, डोर टाइप में वार्डरोब होते हैं तो काफी स्पेस ले लेते हैं, आपको यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और रहेगी अप टू रूफ रहेगा जहां से ज्यादा आप सामान डाल सकते हो।
बेडरूम की बात करते, बेडरूम बेड के बैक साइड में आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारे कलर में आपको यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं। इसी के साथ देखिए बहुत ही एक्सट्रीम दी गई है एलईडी लाइट्स की, जो इस बेडरूम की शोभा को और बढ़ा रहा है। तो इसी के साथ हमारा आ जाता है यहाँ पे बालकनी। इस साइड बालकनी की बात करें, मैं बताऊँ ये यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा, जो प्रॉपर वेंटिलेशन से रहेगा। यहाँ पे आप मशीन लगा कर अपने कपड़े धो सकते हैं, या इस साइड टैब भी आ जाता है। तो चलते हैं अभी हम वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम की तरफ बात करें तो एज इट इज फर्स्ट वॉशरूम था, वैसे आपका सेकंड वॉशरूम रहने वाला। बस जो टाइल्स का कलर है वो चेंज रहेगा, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम का वॉशरूम। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन हमारे बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सबसे मेन चीज पहले बता दूं मैं, ओपन किचन रहेगी हमारी, जो मॉडुलर किचन रहेगी। आप देखिए बहुत ही अच्छे पैटर्न में यहाँ पे इन्होंने ये वुडन वर्क किया गया एलईडी लाइट्स के साथ। कल को अगर आपने यहाँ पे कोई फ्लोर समथिंग कुछ टैब रखना हो, आप रख सकते हैं, जो आपके घर के आपके किचन की और आपके यहाँ पे ड्राइंग एरिया की जो लुक है और बढ़ाएगा। स्विचेस की बात करें तो गोल्ड मेडलिस्ट के यहाँ पे स्विचेस रहने वाले हैं, आप देख ही रहे हैं। पूरे घर में अलेक्सा फिटिंग के साथ इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट के स्विचेस दिया। तो आगे हम किचन की तरफ, किचन की बात करें तो यहाँ पे हमें जो मिल रही है शेल्फ, ये जो शेल्फ रहेगी ये ग्रेनाइट की रहेगी, ठीक है। वार्डरोब की बात करें, सॉफ्ट क्लोजर आपके वार्डरोब रहेंगे, आप देख ही रहे हैं। सिंक की बात करें तो नॉइस साउंड फ्री आपकी सिंक रहेगी, अगर आप बर्तन साफ कर रहे हो तो पूरे घर में शोर नहीं होगा। इसी के साथ मैं बता दूं आपको, आपके कैबिनेट जो रहेंगे सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा स्पेस में आप देख ही रहे हो, काफी स्पेसेस है। और सबसे मेन चीज बता दो, यहाँ पे अलेक्सा फिटिंग भी है, अगर आप कोई कमांड करते हैं तो अलेक्सा सुनेगा। अलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट्स। कुछ चीजों के नाम लाइट से मिलते जुलते, लगता शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी का चीज का ध्यान रखा गया, अगर आपके घर की सिलेंडर की गैस जो है वो लीक हो रही है तो ये प्रॉपर अलार्म करेगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए देखिए अलार्म करेगा और ये 2-3 मिनट तक बजता रहेगा। तो प्रॉपर सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया। तो दोस्तों ये था हमारा 2 BHK का घर, ये 3 मिनट तक बजता ही रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा 2 BHK का फ्लैट जो आपने देखा ही। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो फ्लैट रहेगा ये प्रॉपर गेटेड सोसाइटी के अंदर रहेगा, और अंडर CCTV कैमरा रहेंगे, और गेट के पास ही आपको वेटिंग एरिया भी दिया जाएगा। कल को अगर आपके घर में कोई आना चाहता है, आप घर में नहीं हो तो वो वेट कर रहा है, तो वो उस एरिया में बैठ के वेट कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस घर को अपना बनाना चाहते हो तो आइए इस घर को में विजिट कीजिए, और हमारे वीडियो पे जो नंबर ब्लिंक हो रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद।